हेलो एभ्री वान, नमस्कार. आज चाहिँ मेरो है इन्फर्मेसन छ तपाईँहरूलाई है बसको लागि छ, अनि जति पनि बसमा आउनुको लागि त है कति सेलेरी हुन्छ बसमा होइन, पर आवर कति कसरी घन्टा हुन्छ अनि त्यसको विषयमा छ. अनि मेरो इन्फर्मेसन चाहिँ तपाईँहरूलाई, अनि आज म इटली सिटी जाँदैछु अनि इटली सिटी पनि तपाईँहरूलाई म घुमाउनेछु, तपाईँहरू मेरो साथमा भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ. अनि म साथै तपाईँहरूलाई मेरो इन्फर्मेसन चाहिँ हिन्दीबाट हुनेछ है. हेलो एभ्री वान, आज मेरो इन्फर्मेसन है आप लोग को लिए होइन, पोल्यान्डमै बस ड्राइभर के लिए, बस ड्राइभर का होइन पर आवर का कितना सैलरी होता है. और आज का मेरा इन्फर्मेसन है आज बस ड्राइभर के लिए. मेरे को बहुत मैसेज आया था भाई लोग बस ड्राइवर में आने के लिए है ना, हम लोग को लिए कितना सैलरी मिलता है और कैसा ड्राइविंग है आप लोग के लिए. आज का मेरा इन्फॉर्मेशन है आप लोग के लिए बता रहा हूँ. आज मेरा है ना इटली से फिर लोडिंग है. आज मैं आप लोग को लिए है ना जो इटली का ब्यूटीफुल सिटी है आप लोग को वो भी मैं विजिट कराऊंगा. और मैं उसके बाद आप लोग को लिए ना जो भी इधर बस ड्राइवर के लिए पोलैंड में कितना सैलरी होता है और पर आवर में ड्राइवर का कितना आवर का सैलरी मिलता है आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन है आज का मेरा. आज मैं आप लोग के लिए ना विजिट कराता हूँ बारमेनिया सिटी, इटली का बहुत ब्यूटीफुल सिटी है. अभी हम लोग को वीकेंड हॉलीडे में हम लोग विजिट कर सकता है सिटी घुम्न गए है हामी जब यहाँबाट है इटलीको एकदम ब्युटिफुल सिटी छ, म त्यो तपाईँहरूलाई देखाउनेछु है. वेलकम टु बारमेनिया सिटी. आज मैं आप लोग को लिए ना जो इटली सिटी का मैं विजिट कराता हूँ, क्योंकि ड्राइविंग लाइफ ऐसा होता है हम लोग का वीकेंड ब्रेक में है ना, हमारा नज़दीक सिटी है तो हम लोग विजिट कर सकता है और इधर का कल्चर कैसा है हम लोग को भी ये घूमने का है ना बहुत अवसर मिलता है. इसके लिए मैं आप लोग के लिए भी दिखा रहा हूँ. जितना भी ड्राइवर भाई लोग हैं, जो भी भाई लोग हैं, आप लोग भी बाद में है ना ड्राइविंग करके हमारा हर नया नया लोकेशन होता है इसके लिए आप लोग भी विजिट कर सकता है. ये इटली में आप लोग देख सकता है ये क्षेत्र प्रागैतिहासिक काल से बसा हुआ है. क्षेत्र में रहने वाले सबसे पुराने ज्ञात लोग लोपटी थे. इस क्षेत्र को पहली शताब्दी ईस्वी में सम्राट अगस्त द्वारा रोमन राज्य में जोड़ा गया था. इसके लिए मैं आप लोग को भी ऐसा सिटी दिखा रहा हूँ जो 11वीं शताब्दी से ये बसा हुआ है. बिर्बिनो सिटी कोसोलो ओसोलो उत्तर पश्चिम इटली के पीट माउंट क्षेत्र में से ये मिलान से लगभग 91 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में और स्विट्जरलैंड में लोकार्नो से लगभग 40 किमी दूर मैगी और झील के तट पर स्थित है. ये चर्च का नाम है सेन गोडुजिया का बेसोलिका नोबरा पीट मोट. उत्तर इटली में एक चर्च है, ये शहर का सबसे ऊंचा स्थान में है इसलिए मैं आप लोग के लिए भी विजिट कराता हूँ. ये जो सिटी आप लोग को दिख रहा हूँ ये बहुत ब्यूटीफुल है और इधर है ना हर कंट्री से इधर विजिट कर सकता है आप. इधर से है ना स्विट्जरलैंड बहुत नज़दीक है, एक झील है, झील में इधर स्विट्जरलैंड और इटली का बॉर्डर है. और आप लोग मिलान से आएगा तो आपको मिलान से 91 किलोमीटर में आप लोग ये विजिट कर सकता है इधर आके. बारमेनिया बहुत ब्यूटीफुल है. ये झील है, बहुत बड़ा झील है. इधर से है ना आपको स्विट्जरलैंड और इटली का ये झील एक ही साथ में है, ये ऐसा झील है इधर. अभी मैं ये गार्डन में आया, ये गार्डन में आने के लिए है ना इन करने के लिए आपको 12 यूरो पे करना पड़ेगा और मैं 12 यूरो का टिकट लिया. इसके बाद मैं अंदर आया और ये है ना 1930 के दशक में एक पूर्व पेट स्काइट द्वारा बनाया गया मौसमी झील के किनारे का बगीचा और दुनिया भर में वनस्पतियों और पौधों का साथ है.
इधर है ना दुनिया भर में जो भी इधर मिलता है ये गार्डन में है ना, इसमें मेरे को घूमने का अवसर मिला। Seasonal lakeside garden created in the 1930 में बना हुआ है। इसमें बहुत किस्म का फ्लोर है, ये आप लोग देख सकता है, ये बहुत ब्यूटीफुल है। आप लोग भी कभी भी आएगा तो इधर विजिट कर सकता है। इतना सुंदर है इधर, बहुत ब्यूटी है, आप लोग भी विजिट कर सकता है। ये बर्बिनिया सिटी में है ना, इसलिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, बहुत अच्छा है इधर। यूरोपियन है ना जो भी ड्राइविंग लाइफ में, आप लोग भी कभी आप लोग का है ना वीकेंड हॉलीडे होता तो आप सिटी विजिट कर सकता है। जैसे मैंने आप लोग को है ना विजिट करके मैंने इधर आप लोग के लिए दिखाया, बहुत ब्यूटीफुल और सिटी में आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ, ये बहुत अच्छा है। आप लोग भी बाद में ऐसा करके घूम सकता है, विजिट कर सकता है, क्योंकि हम लोग को है ना और वीकेंड में हम लोग का नज़दीक सिटी है तो आप लोग जाके विजिट करेगा तो आप लोग के लिए भी बहुत अच्छा है। आप लोग को सिटी कैसा लगा आप लोग कमेंट कर सकता है। इसलिए मैं नए नए लोकेशन में जाता हूँ, इसलिए आप लोग के लिए दिखाता हूँ। अभी मैं खाने के लिए जा रहा हूँ। यूरोपियन खाना ऐसा होता है इधर का खाना फूड, हमारा जैसा दाल चावल नहीं मिलता है। यूरोपियन खाना ऐसा होता है। हेलो एवरीवन, इन नेपाली इंडियन पाकिस्तान बांग्लादेश जितना भी भाई लोग हैं, आप लोग का प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। और आज का मेरा इन्फॉर्मेशन है आप लोग को लिए है ना, मेरे को बहुत भाई लोग पूछ रहा था भाई हम लोग बस में आना चाहते हैं जो ड्राइविंग के लिए है ना, जो बस ड्राइवर के लिए। आज मैं आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, क्योंकि बस में है ना इधर का सैलरी कितना होता है और आप लोग को है ना ये मैं बता रहा हूँ। आज मेरा जो दोस्त था, मैं बस ड्राइवर नेपाली है और हमारा जो नेपाली और पंजाबी भाई लोग को मिला था, और उससे मैं जो भी आप लोग को लिए ना बता रहा हूँ इन्फॉर्मेशन, जो भी बस में कितना सैलरी होता है और कितना आप लोग का लिए ड्यूटी होता है ना, ये मैं इसके लिए बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आप लोग का है ना जो भी बस में भाई लोग आता है, जैसे कतर, कुवैत, नेपाल, इंडिया और बांग्लादेश जिधर से भी आता है, आप लोग के लिए है ना अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो बस में भी मैंने पूछा था जो हमारा दोस्त लोग को, वो लोग पूछा ज़्यादा ड्राइवर बस के लिए भी है ना, जैसे कुवैत से, दुबई से, कतर से, ज़्यादा बहरीन से, इधर से लेके आता है बोलता मेरे को दोस्त लोग बोला, क्योंकि उधर से ड्राइवर लोग लेके आएगा तो इधर थोड़ा इजी होता है ना, उसके लोग का कोड 95 जो 9 से पहले का था उसका कोड 95 का एग्जाम नहीं होता, वो 5 डेज का क्लास होता है, और उसके बाद जो 9 का बात है उसके लिए थोड़ा आप लोग को है ना 21 डेज का क्लास होता है, मे बी एक महीना लगता है, 1 मंथ है ना कंप्लीट करने के लिए एग्जाम देके। फिर बाद में आप लोग के लिए बस में मैं पूछा भाई लोग इधर बस में आप लोग को लिए ना फैसिलिटी क्या क्या है, अभी मैं बता रहा हूँ। जैसे बस में जब आप लोग स्टार्टिंग में आएगा तो आपको है ना जैसे पहले आएगा आपका कोड 95 होता है, उसके बाद आप लोग को बस का जो भी ट्रेनिंग होता है ना आप लोग के लिए ट्रेनिंग होता है, उसके बाद आप लोग के लिए बस में है ना स्टार्टिंग सैलरी आप लोग को लिए बस में पर आवर 21 जोलेटी होता है, 21 जोलेटी है, और आफ्टर आपका है ना 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ आप लोग को ड्राइविंग जो है ना आप लोग आफ्टर 6 मंथ आप लोग पुलिस का लाइसेंस है ना आप लोग का पास है तो फिर आपका उसके बाद आफ्टर लाइसेंस के बाद आपको 26 जोलेटी पर आवर का 25-26 ऐसा है 25-26 है ना आप लोग का 25 जोलेटी पर आवर का आप लोग को मिलता है।
और आप लोग को है ना जो भी बस में है ना ट्रक से तो बस में अच्छा ड्यूटी है क्योंकि बस का है ना आपका टाइम टू टाइम होता है सम टाइम आपका है ना जैसे एक महीने का शेड्यूल आता है बोलता मेरे को दोस्त लोग उसमें आप लोग को है ना शेड्यूल में आप लोग का पर डे किसी टाइम में आपका 8 आवर ड्यूटी होता था किसी टाइम में 12 आवर किसी टाइम में 10 आवर होता है और इसके बाद आप लोग के लिए है ना वीकेंड छुट्टी भी होता है हॉलीडे होता है और उसके बाद आप लोग को लिए रूम होता है कंपनी है ना बस जो मेरा भाई लोग है उसका रूम है वो लोग का कंपनी दिया है और गैस सबसे अच्छा तो ट्रक से तो अच्छा है बस क्योंकि बस में है तो आप लोग है ना सुबह जाओ शाम को फिर आके आप लोग है ना अपना खाना बना के खा के आप रेस्ट कर सकता है लेकिन ट्रक में थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि ट्रक में थोड़ा मुश्किल भी होता है क्योंकि हम लोग ऑल ओवर यूरोप ड्राइविंग करना पड़ता है ट्रक से तो अच्छा जो बस में भी आता है जिसका बस का है ना ड्राइविंग का अच्छा मालूम है वो बस के लिए बहुत अच्छा है आप लोग को जैसे मंथली सैलरी है ना मैं पूछा जो भाई लोग पुराना 25 डॉलर मिलता है ना पर आवर उसके लिए भी सैलरी अच्छा बनता है 6,000 से लेकर 7,000 ज्वेलिटी आप लोग को मिलता है ये भी अच्छा बात है और जो भी मेरा है ना अपना मेरा एक दोस्त था जो पहले हमारा एक पंजाब का भाई था जो रणबीर है ना रणबीर सिंह उसको मैं पहले एक बार हमारा कंपनी में आया और 2-3 महीने बाद में काम किया फिर चला गया क्योंकि जो बस में ड्यूटी करता है उसको बस अच्छा लगता है जो ट्रक में ड्यूटी करता है उस ट्रक में अच्छा लगता है उसको पहले बस में किया फिर बाद में हमारा ट्रक में आया उसको 2-3 महीना काम किया तो उसको ट्रक अच्छा नहीं लगा क्योंकि बस का जो ड्यूटी है बहुत अच्छा है उसमें आप लोग को रेस्ट है टाइम टू टाइम है ना खाना खा के रेस्ट कर सकते हैं इतना कोई टेंशन नहीं होता है और लेकिन बस में आप लोग को लिए ना जैसे एक ही बस नहीं होता है आप लोग को शेड्यूल में है ना पर डे अलग अलग बस होता है आप लोग ने जो गल्फ में ड्राइविंग किया होगा जो सिंगल बस होता है और पास साथ में डबल बस भी होता है आपका पीछे एक डबल भी ट्रेलर जैसा होता है ना बस डबल बस होता है वो भी बस आप लोग के साथ में होता है सिंगल बस भी होता है डबल बस भी होता है और आपको है ना वो मिनी बस भी होता है लेकिन ऑलराउंड जो भी बस ड्राइवर है तो पूरा ऑलराउंडर बस ड्राइविंग करना पड़ता है ऐसा नहीं मैं छोटा गाड़ी चलाता है बड़ा नहीं चलाता ऐसा नहीं है इधर आप लोग को शेड्यूल मिलेगा शेड्यूल में आप लोग है ना उसको फॉलो करने का आपको है ना जैसे कंपनी का शेड्यूल में आप लोग को पर हर डे है ना आपको एक दिन में ये गाड़ी चलाने का और दूसरा दिन आपको जो बस का नंबर देता है और बस का साइज भी है ना आपको मिलता है कोई विलेज के तरफ जाता है कोई सिटी के तरफ जाता है आपको पूरा राउंडिंग है लेकिन बहुत अच्छा है बस का ड्यूटी है ना मेरा कोई भाई लोग पूछता है वो लोग बहुत खुश है अच्छा है आप लोग को भी बस में है ना कोई भी भाई लोग अप्लाई करता है तो आप लोग आ सकता है बस का ड्यूटी भी बहुत अच्छा है और ट्रक से भी बहुत बेहतर लाइफ है बस में है ना क्योंकि बस में टाइम टू टाइम है हमारा ट्रक में तो क्योंकि हम लोग ज़्यादा लॉन्ग और बहुत कंट्री जाना पड़ता है इसके लिए थोड़ा हम लोग को ज़्यादा मुश्किल भी हो जाता है कभी कभी है ना लेकिन बस के लिए बहुत अच्छा है जो भी भाई लोग है आज मेरे को है ना बहुत भाई लोग ने पूछा था हम लोग बस में कैसे आने का आप लोग बस में अप्लाई करो और बस में आ जाओ और बस का ड्यूटी अच्छा है और सैलरी भी अच्छा है पोलैंड में है ना मैं पोलैंड की बात कर रहा हूँ लेकिन दूसरा कंट्री में तो और ज़्यादा सैलरी है लेकिन आप बस में श्योर आप लोग आ सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई परेशान नहीं है मेरा ट्रक लोड करके मैं अभी इटली से जा रहा हूँ अभी इटली से मेरे को स्वीडन जाने का स्वीडन को मेरे का इधर से 1,300 किलोमीटर है लेकिन मेरे को इधर से है ना पहले इधर से मेरे को जाने का है ऑस्ट्रिया बॉर्डर ऑस्ट्रिया टू जर्मनी होता है कभी कभी हम लोग को नेविगेशन ने देखा था स्विट्जरलैंड के लिए जाने के लिए लेकिन स्विट्जरलैंड के जाएगा तो उधर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि उधर कस्टम क्लियर करना पड़ता है और इसके लिए हमारा जो प्लानिंग रूट देता है हम लोग उसको प्लान करके रूट के साथ में चलना पड़ेगा आप लोग देख सकते हैं ये इटली का है ना जो भी हाईवे रोड से में चलता है अभी ये टोल मिलेगा आपको ये टोल में है ना आपका डिवाइस का में जो ऑनलाइन पे होता है ऑनलाइन में पे करके आपको है ना जब आपका डिवाइस में पैसा है तो ऑनलाइन पे किया है तो आपको जो गेट होता है ये ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है इधर का सिस्टम ऐसा है आप लोगों को भी आके है ना मालूम पड़ता है नहीं तो फिर आपका इधर
और डिवाइस में पैसा नहीं है तो आपको फिर इधर पे करना पड़ता है, आप पे करके जा सकता है। और इधर का डिवाइस ऐसा है, देखो अभी ये ओपन हो गया है मेरा, क्योंकि डिवाइस में पैसा था ऑलरेडी, इसके लिए मैं ओपन हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप लोग का जो कमेंट है ना, आप लोग कर सकता है आप लोग को लिए कौन सा वीडियो बनाने का मैं बनाता हूँ। तपाईँहरू पनि है हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँहरूले पनि है लाइक कमेन्ट सपोर्टको लागि एकदमै धन्यवाद छ। अनि तपाईँहरूको लागि म है यो नेपाली हिन्दी त सबैजनाले बुझ्छ, त्यस कारणले म हिन्दीमा बनाउँछु। अनि त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरूले पनि केही आफूलाई जान्नु चाहेको कुराहरू मसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ है। अनि लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्नुहोस्, अनि मलाई नबुझेको कुरा सोध्नुहोस्, म तपाईँहरूलाई रिप्लाई दिनेछु। हुन्छ, सबैलाई धन्यवाद छ सपोर्टको लागि।